Hello student, today we are studying about classification of insect. अब तक हमने insect के general character पढ़े थे, ठीक है, उनको एक बार revise करें क्योंकि classification में हमारे सामने यही character जो है वो बार बार जो है वो सामने आएंगे. तो insect जो है एक largest group of animal है which constitutes 75% of all living animal. ठीक है, मतलब कि अगर आप animals का total देखते हो तो 75% जो है उसके अंदर insect आते हैं जो कि arthropoda से belong करते हैं. और ये कहता है as first flying creatures हैं, ठीक है, और invertebrates की बात करें तो invertebrates में तो ये only जो है वो flying creatures हैं insect. इंसेक्ट की बॉडी जो होती है बहुत ही टफ होती है क्योंकि उसके चारों तरफ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो है एनॉर्मस जो है मसल पावर्स रहती हैं. और इन्हीं दो करेक्टर्स के कारण कहता है कि एक्सोस्केलेटन और फ्लाई कर सकते हैं, इनके कारण कहता है ये जो एनिमल्स हैं ये सक्सेसफुल एनिमल कहलाए हैं. इनके पास कैपेसिटी है कि ये सर्वाइव कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं इन ऑल इकोलॉजिकल कंडीशन में. इंसेक्ट की बॉडी हमने देखा हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है और थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं जिसके कारण इनको हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं. हेक्सा मीन सिक्स, पोडा मीन लेग्स. वन पेयर ऑफ एंटीनी होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं. वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई होती है, वन टू थ्री पेयर ऑफ ऑसिलाई हो सकती है और ये प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती. माउथ पार्ट जो हमने देखा वेरियसली अडाप्टेड होते हैं और डिपेंड करते हैं कि मोड ऑफ फीडिंग कैसा है, ठीक है, वो मैंडिबुलेट टाइप के हो सकते हैं और हॉस्लेट जो है हाउसलेट टाइप के हो सकते हैं. ब्रीदिंग जो है वो ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होती हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है. दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड थ्रू मालफीजियन ट्यूब्यूल. नर्वस सिस्टम जो होता है उनके अंदर सर्कमफेरेंजियल रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होते हैं. सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो भी वेल डेवलप होते हैं. रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसकी एनॉर्मस होती है. लार्वल स्टेज जो है मोल्टिंग के द्वारा ग्रो करती है, एग्डाइसिस बोलते हैं उसको, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्टिव पावर ज़्यादा होती है इसीलिए इनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है. इसमें कहता है मेजॉरिटी ऑफ देम जो है लार्वा स्टेट जो है अडल्ट से अलग होती हैं. इनकी मेटामॉर्फोसिस में भी डिस्टिंक्शन दिखाई देती है कि वो हेमी मेटा कंप्लीट है, एब्सेंट है या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है. तो इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं इंसेक्ट जो है जो कि आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं उसको दो सब क्लास में डिवाइड करते हैं, ए टेरिगोटा और टेरिगोटा. ए टेरिगोटा जिसका मतलब है कि ए मीन एब्सेंट, टेरी मीन विंग्स, उनके अंदर विंग्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं. ए मेटाबोला भी उसी से रिलेटेड कि ए मैंने एब्सेंट, मेटाबोल मीना मेटामॉर्फोसिस, वो एब्सेंट होती है. अब ये कहता है प्रिमिटिवली विंगलेस इंसेक्ट होते हैं और इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, तो हम कहते हैं इनके अडल्ट लार्वा के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. हेड जो है वो प्रोग्नेथस टाइप का होता है. एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. एक्टोग्नेथस जो है माउथ पार्ट होते हैं विद मैंडिबल अटैच एट वन पॉइंट. उनके मैंडिबल जो हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर अटैच रहते हैं. There is no metamorphosis as limb are similar to the adult. सिर्फ जो बहुत ही गहन जो स्टडी करते हैं इनकी डीप नॉलेज है वही कहते हैं इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं. और ये कहते हैं फोर सब ऑर्डर्स के अंदर इसको हम डिवाइड करते हैं. यूजली जो कहता है कि ये सेक्शुअल मेच्योरिटी के बाद भी मोल्टिंग जो है वो करते रहते हैं और जब मोल्टिंग करते रहते हैं जो कि नॉर्मली नहीं होता, सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद जो है वो अडल्ट जो है वो मोल्ट नहीं करता. और इनके अंदर कहता है प्री जेनाइटल अपेंडेजेस जो हैं वो वन और मोर पेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो इनमें ये दो तीन कुछ एक डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं जो एयर टेरिगोटा के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा आप देखेंगे चार्ट में आपको थोड़ा
अब हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे टेरिगोटा और ए टेरिगोटा। टेरिगोटा जिनके अंदर विंग्ड होंगे उनमें भी कहता है कि विंग्स इंटरनली डेवलप हो रहे हैं या एक्सटर्नली डेवलप हो रहे हैं, उसकी बेस पर इनको एक्सो टेरिगोटा और एंडो टेरिगोटा में डिवाइड किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ऐसे ही टेरिगोटा के अंदर हमने देखा चार ऑर्डर जो हैं वो होते हैं। अब कहता है इतने सारे ऑर्डर्स हैं तो उन ऑर्डर्स में देखते हैं कि बहुत सारी सिमिलरिटी आ जाती है, तो फॉर इजी वे टू लर्न टू डिस्क्राइब द इंसेक्ट उनको कहता है कि हम जो है फैमिली ट्री या फाइलोजेनेटिक ट्रीज के अंदर जो हैं वो फाइलोजेनेटिक ट्रीज के अंदर जो है उनको शो करते हैं, और इन ऑर्डर्स को हम 8 ग्रुप के अंदर जो हैं बांट देते हैं। ईच नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक बड़ा सा चेंज हुआ है ग्रुप के अंदर, जिसके कारण इंसेक्ट जो है वो अदर ग्रुप से डिफर कर गए। जैसे नंबर 1 पे आप देखेंगे तो हेक्सोपोडा, वो सारे इंसेक्ट जिनके अंदर 6 लेग्स हैं, यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, तो वो हेक्सोपोडा कहलाएंगे। ठीक है, तो इतने जितने भी ग्रुप हैं उनमें ये करैक्टर तो हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये करैक्टर था कि बॉडी 3 फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट थी और उनके अंदर 6 लेग्स प्रेजेंट थी। फिर कहता है जब नंबर 2 पे आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप कुछ एक ऑर्डर जो है वो बाहर आ गए। फिर 2 पे एक मेजर चेंज आया कि 2 इंसेक्ट जो हैं अपीयर हुए। फिर 3rd में आप देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ विंग्स हो गई, टेरिगोटा में कन्वर्ट हो गए। 4th पे आप देखेंगे कि वहाँ पर फोल्डिंग विंग्स आ गए, तो विल्डिंग विंग्स को फोल्ड करने की पावर जो है वो भी आ गई। फिर उसके बाद कहता है 5th में आप देखते हैं ग्रास ओपर लाइक जो है आर्थ्रोटीरोइड्स इंसेक्ट दिखाई देने लगे। 6th में आप देखेंगे स्टोन फ्लाई जैसे प्लेकोटीरोइड जो है इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं। 7th में जो है असर्केरिया जो इंसेक्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और 8th लास्ट ग्रुप जो है वो एंडोटेरिगोटा जो है इंसेक्ट का है, जो जिसमें कहता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो होती है। तो हमारा फर्स्ट जो ग्रुप था नॉन इंसेक्ट हेक्सापोडा, कि वो हेक्सापोडा तो हैं, उनके अंदर 6 लेग्स तो हैं, लेकिन उनके अंदर जो है कुछ अदर करेक्टर ऐसे हैं जो इंसेक्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उनका बॉडी प्लान है कि उनकी बॉडी जो है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। ठीक है, उनके अंदर 3 पेयर ऑफ लेग्स भी हैं, माउथ पार्ट एंटोगनेथस टाइप के हैं, जिसको विड्रोल अंदर की तरफ जो होते हैं, यानी कि वो बॉडी के हेड कैप्सूल के अंदर जो हैं वो होते हैं, और इम्प्लाइज ओनली टू दीज 3 ऑर्डर। और ये कहता है इस तरह के जो माउथ पार्ट्स होंगे वो इसी नॉन हेक्सापोडा जो हमारे ग्रुप है उनके अंदर दिखाई देंगे, जो बॉडी प्लान है और जो पेयर ऑफ लेग्स हैं वो सभी इंसेक्ट के अंदर सेम दिखाई देगा। लाइफ साइकिल जो है ए मेटाबोलस है, यानी कि इन एब्सेंट है इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस, विंग्स जो है वो एब्सेंट है। अब इसमें कहता है ये डिफरेंट जो है वो ऑर्डर्स हैं, मोन्यूरा है, प्रोट्यूरा है, कॉलम्बोला है, स्प्रिंग टेल्स जिसमें बोलते हैं, और डाइप्लूरा। मोन्यूरा जो है वो कहते हैं एक्सट्रीम टाइप है, जो आज नहीं दिखाई देती हैं, सिमिलर टू आज के टाइम के जो ब्रिसल टेल इंसेक्ट हैं उनसे मैचिंग होती थी। ठीक है, इनके कोडल फिलामेंट और अपेंडेजेस जो है वो प्रेजेंट होते थे, और 2 लेग लाइक जो सरसी है वो प्रेजेंट होती थी। ठीक है, ऑर्डर प्रोट्यूरा जो होता है वो कहता है माइन्यूट है, बहुत छोटे छोटे हैं, और ये कहता है अबाउट 2 mm की लेंथ तक के हो सकते। ठीक है, बॉडी जो है वो इलोंगेटेड है, साइलेंड्रिकल है, एंड है पोस्ट एनल टेल्सन एट द एंड, उसके एंड में पोस्ट एनल जो टेल्सन जो है वो प्रेजेंट होती थी। अब आप देखेंगे बॉडी इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, और लास्ट में जो है टेल्सन टेल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दे हैव नो आई, नो विंग्स, नो एंटीनी। उनके अंदर कहता है पिगमेंटेशन भी नहीं होती, जिसके कारण वो वाइट या पेल ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। हेड जो है वो कॉनिकल होता है, और उसमें कहता है 2 pseudocilii, क्योंकि आईज जो है वो एब्सेंट है, तो इनके अंदर pseudocilii होते हैं, जिसका फंक्शन जो है अभी तक क्लियर नहीं है। माउथ पार्ट जो है एंडोगनेथस होते हैं, हमने बताया कैप्सूल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं,
और ये कहता है कंसिस्ट ऑफ थिन मैंडिबल्स एंड मैक्सिलरी, ठीक है। इसके सेंसरी फंक्शन की बात करते हैं तो एंटीना जो है उसका जो, क्योंकि एंटीनी एब्सेंट होते हैं तो उसके क्या जो साइड में वो एडजस्टमेंट है वो ये है कि उसके जो थ्री पेयर ऑफ लेग्स हैं उसमें से जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स हैं वो एज ए एंटीनी काम करती हैं। वो कहते हैं पॉइंटेड, फॉरवर्डली पॉइंटेड होती हैं और उसके ऊपर उनके जो टार्सल्स हैं उनके ऊपर सेंसिला और सेंसरी हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन का काम कर लेते हैं। दे वॉक, बाकी जो लेग्स हैं फोर लेग्स हैं यानी कि टू पेयर ऑफ जो हाइंड लेग्स हैं उनके बेस पर ये वॉकिंग करते हैं। इनके अंदर कहते हैं कोई सरसी नहीं होती, लेकिन हमने देखा उसके एंड के अंदर क्या है, टेल्सन, पोस्ट एनल टेल्सन जो प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस ग्रुप को हम फर्स्ट प्रोटोमीन फर्स्ट, एन्यूरामीन टेल जैसे जो है पहले इंसेक्ट जो है ये प्रिमिटिव टाइप के इंसेक्ट हैं। फर्स्ट का मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। और ये फर्स्ट थ्री एब्डोमिनल सेगमेंट जो है उनके ऊपर लिम्स होते हैं, लेग्स होते हैं जो कि कहता है लिम्स लाइक अपेंडेजेस होते हैं, उनको हम स्टाइली बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ऑर्डर है वो है डाइप्लूरा। डाइप्लूरा जो है उसमें कहता है कंपोडिडिड्स जो हैं वो और जेपीजिड्स जो हैं इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं। डाइप्लूरा वर्ड होता है कि उसमें टू टेल, प्लूरा मीन टेल, ठीक है। और ये कहता है वाइट और येलोइश होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं विद लॉन्ग एंटीनी। अब यहाँ देखेंगे आप एंटीनी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी लेंथ जो है 10 mm के नियर रहती है। इनके अंदर क्योंकि डाइप्लूरा है तो टू टेल फिलामेंट्स हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और ये कहता है लॉन्ग और थिन, लंबे भी हो सकते हैं पतले भी हो सकते हैं, शॉर्ट और थिक इन द फॉर्म ऑफ पिंसर भी हो सकते हैं। डाइप्लूरन जो होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल, लीफ लिटर एंड रोटिंग लोग्स, जो नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनके पास जो है ये मिलते हैं। ऑर्डर कोलम्बोला जो है वो उसमें स्प्रिंग टेल्स और स्नो फ्लियाज आते हैं। कोलम्बोला जो होता है डाइवर्स इन फॉर्म होते हैं, इनमें कलरेशन भी दिखाई देती है, हैबिटेट भी इनके डाइवर्स होते हैं। और इनका साइज कहता है लेस देन 3 mm लेंथ में होता है और ये रेंज 10 mm तक की हो सकती है। और ये कहता है आइदर इलोंगेटेड और ग्लोबुलर बॉडी होती है, इनके पास भी एंटीनी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके पास जो है जो वेंट्रल एब्डोमिनल में स्प्रिंगिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको फर्कुला बोलते हैं, जो कहता है जब किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई डेंजर आता है तो ये जंप कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं क्लियरली दिखाओ। इसके अलावा उनके पास कोलोफोर होता है जो कहता है वाटर की अपटेक में यूज़ होता है। ये जो कोलम्बोलान होते हैं ये कहता है सॉइल के अंदर लीफ लीटर थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलते हैं, इवन एंटार्क्टिका के अंदर भी मिल जाते हैं ये इंसेक्ट। सेकंड जो ग्रुप बनाया गया है वो है ए टेरिकोटा। ए टेरिकोटा मतलब उनके अंदर जो है टेरिका मतलब विंग्स एब्सेंट है, ठीक है। और ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके पास कहता है माउथ पार्ट जो है एक्टोगनेथस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोज्ड माउथ पार्ट है अप्लाई टू ऑल, अब कहता है जितने भी इंसेक्ट आएंगे उनके अंदर एक्सपोज टाइप ऑफ माउथ पार्ट है, ठीक है। इससे पहले आपने देखा था कि उनके अंदर जो है वो अंदर की ओर कैप्सूल के अंदर जो है दबा हुआ होता था माउथ पार्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है लाइफ साइकिल जो है ए मेटाबोलस है, मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर एब्सेंट होता है, विंग्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर कहता है दो ऑर्डर आते हैं थाइसेनूरा और माइक्रोकोराइफिया, ठीक है। और ये इनका कॉमन नेम जो है ब्रिसल टेल, जंपिंग ब्रिसल टेल के नाम से जाने जाते हैं। पहला जैसे है ये जाइजेंटोमा जो है जिसमें सिल्वर फिश, फिश मौत, फायर ब्रेड्स जो हैं वो आते हैं। इनका जो फॉर्मली इनको थाइसा नूरा के नाम से जाना जाता था और इनका कॉमन नेम जो है वो है ब्रिसल टेल। ब्रिसल टेल्स जो होते हैं फास्ट रनिंग होते हैं, विंगलेस इंसेक्ट होते हैं और ये कहता है बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते। माउथ पार्ट इनके एक्सपोज होते हैं, एक्टोगनेथस होते हैं और ये बाइटिंग के लिए अडाप्टेड होते हैं।
एंटीनी जो है मैनी सेगमेंटेड होते हैं, बेसल जो सेगमेंट है वो मसल्स जो है उनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। कंपाउंड आई प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। लेग्स में कहता है टारसी होती है जो कि 2 to 4 सेगमेंट की होती है। इनके एब्डोमन में कहता है 11 सेगमेंटेड होता है, और एंड वाला जो सेगमेंट होता है वो मीडियन फिलामेंट जो कि वेरिएबल फिलामेंट है। प्लस में आप देखेंगे इसके लेटरल साइड में भी कुछ फिलामेंट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिनको स्टाइलीफॉर्म टाइप के होते हैं, जिनके अंदर प्री जेनाइटल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, और पेयर ऑफ मैनी सेगमेंटल सरसी जो है प्रेजेंट होती है। मेटामॉर्फोसिस लाइट होती है या एब्सेंट होती है। और 2 कॉमन स्पीसीज इसकी सिल्वर फिश है, फायर ब्रेट है, जो कहता है घरों में आप देख सकते हैं कपड़ों के अंदर, हमारी जो बुक शेल्फ है बुक्स के अंदर, वहाँ पर ये इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ऑर्डर है आर्कियोगनेथा, जिसको हम माइक्रोक्रोकोराइफिया भी जानते हैं, जंपिंग ब्रिसल टेल। ये कहता है प्रिमिटिव है बहुत ज़्यादा। इनके माउथ पार्ट जो है वो च्यूइंग के लिए जो है वो अडप्टेड होते हैं। एंटीनी जो है इनके अंदर फ्लेक्सिबल रहती है, बॉडी इलोंगेटेड होती है, और इनका हेड जो है वो स्मॉल साइज का होता है। इसके अंदर कहता है एपिप्रोक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। एपिप्रोक्ट जो होता है वो कहता है एक सेंट्रल फिलामेंट है जो कि एब्डोमन के एंड में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कहता है आप देखेंगे 2 अदर फिलामेंट्स होते हैं वो सरसी कहलाते हैं। 3 फिलामेंट इसके एंड में दिखाई दे रहे हैं, और ये कहता है मीडियली पोजिशन होता है एपिप्रोक्ट। कंपाउंड आई प्रेजेंट होती हैं विद 3 ओसिलाई।